आज से ठीक 30 दिन बाद यानी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। तो जीएसटी का कार्स पर क्या असर होगा और हाल फिलहाल में अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अपने सपनों की कार को खरीदने के लिए जुलाई तक रुकना ठीक रहेगा या तुरंत खरीद लेने में फायदा होगा। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि 1 जुलाई 2017 के बाद कारों पर कितना टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने जो टैक्स स्लैब तय किया है उसके अनुसार कार लग्जरी आइटम्स में आएंगी और इन पर 28% का जीएसटी देना होगा। इसके अलावा कारों पर 1, 3 या 15% का सेस अतिरिक्त लगेगा। अब आइए जान लेते हैं कि कार की क्लासिफिकेशन और उन पर लगने वाले सेस को। कार को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, छोटी कार, मिड सेगमेंट कार, लग्जरी कार और एसयूवी। छोटी कार वो है जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है। इसके अलावा अगर कार पेट्रोल इंजन की है तो इंजन 1.2 लीटर या उससे कम का होना चाहिए और अगर कार डीजल है तो इंजन 1.5 लीटर या उससे कम का होना चाहिए। मिड सेगमेंट कार में वो कार आएंगी जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है पर इंजन की क्षमता 1.5 लीटर से कम है। लग्जरी कार्स में 4 मीटर से लंबी और 1.5 लीटर से ज्यादा क्षमता वाले इंजन की कार आएंगी, जबकि एसयूवीज में 4 मीटर से लंबी कार और 1.5 लीटर से बड़े इंजन वाली कार आएंगी जिनकी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 एमएम से ज्यादा हो। अब आप देख लीजिए आपकी कार किस कैटेगरी में आती है और ये है अलग अलग कैटेगरी की कार पर लगने वाला सेस। छोटी पेट्रोल कार पर 1% का सेस देना होगा, जबकि छोटी डीजल कार पर 3% का सेस लगेगा। मिड सेगमेंट कार पर 15% का सेस देना होगा, लग्जरी कार्स पर भी 15% का सेस लगेगा, एसयूवीज पर भी 15% का ही सेस लगेगा। इस तरह से जो अलग अलग श्रेणियों की कार्स पर लगने वाला कुल जीएसटी है वो छोटी कारों के लिए 29% का हो रहा है, छोटी डीजल कार के लिए 31% का, मिड सेगमेंट कार के लिए 43%, लग्जरी कार्स के लिए भी 43% और एसयूवीज के लिए भी 43% का टैक्स लगेगा। तो ये है प्रपोज जीएसटी के अनुसार कार्स पर लगने वाला कुल टैक्स। आपको हम बता दें कि हर राज्य में यही टैक्स लगेगा, किसी प्रकार का अन्य टैक्स कार पर नहीं लगेगा, केवल बेस जीएसटी प्लस उस पे लगने वाला सेस। अब आइए जान लेते हैं कि कार्स पर अभी कितना टैक्स लगता है। अभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स रूल है जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में कार के दाम भी अलग अलग है। इसकी वजह ये है कि वैट का रेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसके अलावा कुछ राज्यों में 4% तक का ऑफशोरी टैक्स लगता है, कुछ राज्यों में ग्रीन टैक्स भी लगता है, कुछ राज्यों में नहीं लगता है। अब आपको ये देखना होगा कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट का टैक्स रूल क्या है। बहरहाल मोटे तौर पे देखें तो छोटी पेट्रोल कार पर 26 से लेकर 34% का टैक्स लगता है, छोटी डीजल कार पर 27.5 से 35% तक का टैक्स लगता है, जबकि मिड सेगमेंट कार पर 40.5 से लेकर 48% तक का टैक्स लगता है, लग्जरी कार्स खरीदने वालों को 44.5 से लेकर 51% तक का टैक्स देना होता है और एसयूवीज पर 47.5 से लेकर 54% तक का टैक्स देना होता है। अब हमें करंट टैक्स रेट और प्रपोज जीएसटी रेट का पता चल गया है। अब आइए कंपेयर करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लग्जरी कार्स और एसयूवी हर स्टेट में सस्ती होंगी, जबकि छोटी कार और मिड सेगमेंट कार जीएसटी लागू होने के बाद कुछ राज्यों में सस्ती होंगी जबकि कुछ राज्यों में इनके दाम बढ़ जाएंगे। तो फाइनली हमारी एडवाइस ये है कि अगर आप लग्जरी कार्स और एसयूवीज लेने की सोच रहे हो तो प्लीज जुलाई तक रुक जाइए, जीएसटी लागू होने के बाद लीजिएगा। और अगर आप छोटी और मिड सेगमेंट कार लेने की सोच रहे हो तो प्लीज अपने स्टेट के टैक्स रूल्स को एक बार देख ले कि प्रेजेंटली वहां पर कितना टैक्स लगता है। आप अगर चाहें तो कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं कि आपके स्टेट में टैक्स कितना लगता है और नई प्रपोज जीएसटी के टैक्स से उसे कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि कार अभी ली जाए या जुलाई के बाद। ये था कार्स पर जीएसटी का प्रभाव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए।
अगले वीडियो में हम कुछ पॉपुलर मॉडल्स का कैलकुलेशन करेंगे कि उन पर जीएसटी का कितना प्रभाव पड़ेगा और आपके कितने पैसे बचेंगे। तब तक के लिए साइनिंग आउट फ्रॉम हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। जीएसटी, वन टैक्स रिप्लेसिंग मल्टीपल टैक्सेस। Performance demands ease. GST, ease of doing business with free flow of goods. Performance demands one powerful stroke. GST, one nation, one tax, one market. GST, a tax reform for a winning performance. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।